नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बीएड चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं फ्रेंड्स कि इंटर में एडमिशन के लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे और आपका यूजर आईडी पासवर्ड या ओटीपी नहीं गया है तो किस तरह से क्या करना है, जो आपके मोबाइल पे यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा वो पूरा प्रोसेस मैं आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है। सारा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से आप लोग यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ओके, इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते चले आना है और यहाँ पे देखेंगे सबको लिखा हुआ मिलेगा CAF failed but OTP not received। सिंपली से आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखेंगे फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से एक पेज लोडिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वेट कर लेते हैं, इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ गेट OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो सिंपली से यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स लिखा हुआ कि स्टूडेंट्स एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे, स्टूडेंट मोबाइल नंबर डालेंगे, जो आप लोग मोबाइल नंबर फिलअप किए थे वो, और यहाँ पे आप लोग के जब आप लोग आवेदन किए होंगे और वहाँ पे जैसे ही पेमेंट के लिए क्लिक किए होंगे तो वहाँ पे आपके सामने शो हुआ होगा एक एप्लीकेशन नंबर, वो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP यहीं पे आपको शो हो जाएगा, मोबाइल पे भी जाएगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। OTP डालेंगे और आपके सामने OTP डालने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही OTP डालेंगे और वैलिडेट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, बाय मिस्टेक आप लोग एप्लीकेशन नंबर उस टाइम नोटिस नहीं कर पाए, नोट नहीं कर पाए, क्लोज कर दिए, तो आपको क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त करने का मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे और इसके बाद यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करना है। ओके, फिर भी अगर आपके पास ये सारा चीज नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गो टू होम पेज पे क्लिक करना है इस तरह से, और यहाँ पे देखेंगे आपको कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन मिल रहा है। ओके, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने देखेंगे यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे दिया गया, ऊपर में भी दिया गया यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कॉल करना है। इसमें जो नंबर है, टाइमिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स, सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे शाम तक वर्किंग डे आप लोग कॉल कर सकते हैं, संडे के दिन कॉल नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये सारा यहाँ पे नंबर दिया गया, इस नंबर पे अगर कॉल नहीं लगता है तो यहाँ पे एक नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं। सारा यहाँ पे सेम टाइमिंग दिया गया है, 10 बजे से लेके 5 बजे तक आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं गया हो, अगर आप 2-3 दिन वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं अगर आप नहीं वेट कर पाएंगे तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो प्रोसेस मैं आप लोग को बताया अभी, जो ये प्रोसेस है लास्ट का प्रोसेस, अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करके स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड करने के बाद आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आता है, तब जो है सो आप लोग यहाँ पे जाएंगे गो टू होम पेज पे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे और यहाँ से नंबर पे कॉल करके आप लोग ये जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो कॉल करने के बाद वो सारा प्रॉब्लम बताएंगे जो आपके साथ इंटरफेस हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, वो सारा प्रॉब्लम बताने के बाद आपको सारा प्रॉब्लम दूर कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग अपना यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों फिर में शेयर करें ताकि जो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच रहे। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।